बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? टू द अमाउंट ऑफ लाइज द भारतीय जनता पार्टी के उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। आई एम इन वेरी गुड हेल्थ एंड आई बीन कैंपेनिंग फॉर अराउंड अ मंथ ऑल ओवर द स्टेट। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है, उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना, इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार, एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है। टू द अमाउंट ऑफ लाइज द भारतीय जनता पार्टी के As you see, I am in very good health and I've been campaigning for around a month all over the state.